हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है मेरा चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बायो मेलोडी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे शेप ऑफ सेल्स एंड टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। जैसे कि बहुत सारे प्रकार के शेप होते हैं सेल्स के, कॉलमनार है, क्यूबॉइडल है, फ्लैटन है, और कुछ सेल जो होते हैं उनमें शेप होता ही नहीं, उन्हें हम बोलते हैं इरेगुलर। ठीक है, कुछ पॉलीगोनल भी होते हैं। ठीक है, तो अब लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सेल्स, दैट इज आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी, जो कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, आरबीसी जिसे हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, जो होती है बाइकॉनकेव शेप, बाइकॉनकेव। ओके, तो इसका अगर साइड व्यू हम देखें तो कुछ इस प्रकार दिखती है। ठीक है, साइड व्यू में बीच में पतली सी होती है और साइड जो होते हैं उसमें वो ठीक नजर आती है। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस होता नहीं है, तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन कैरी करती है। ठीक है ना, अभी इसके बहुत सारे फंक्शंस जो हम दूसरे चैप्टर में देखने ही वाले, हम इस यहाँ पर सिर्फ शेप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी अगर आरबीसी हम दूसरे एनिमल्स में अगर देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार है, और उसका जो एनिमल होता है वो है फ्रॉग। तो ये आरबीसी है फ्रॉग की, जिसमें न्यूक्लियस होता है। तो दिस इज द आरबीसी ऑफ फ्रॉग, आरबीसी ऑफ फ्रॉग। ओके, तो फ्रॉग की आरबीसी कुछ इस प्रकार हमें दिखती है, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका अगर टॉप व्यू देख समझो, अगर ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये टॉप व्यू है इसका, ये आरबीसी का, और ये देखेंगे तो ये साइड व्यू है। ठीक है, तो ये साइड व्यू दिखता है हमें। अगर बात करेंगे डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी जो होती है वो इररेगुलर कहलाती है, उसमें कोई शेप होता नहीं, और इनसाइड उसमें बाय न्यूक्लियर और बायलोब न्यूक्लियस दिख रहा है और मल्टी न्यूक्लियट। तो ये कुछ डब्ल्यूबीसी है, इसकी शेप हमें नज़र आते हैं, जिसे हम इररेगुलर कहते हैं, और एमीबॉयड, क्या कहते हैं, एमीबॉयड। ओके, तो कुछ इस प्रकार डब्ल्यूबीसी नज़र आते हैं, जिसमें कुछ दिखता नहीं है, कुछ यस शेप भी नज़र आता है। ठीक है, इनसाइड। ओके, तो यहाँ पर यह हुआ डब्ल्यूबीसी के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ कॉल्यूमनार है, कॉल्यूमनार जस्ट लाइक दिस। ओके, कुछ ऐसे हैं सेल्स, ठीक है ना, कुछ ऐसे दिखते हैं, इसे हम कॉल्यूमनार बोलते हैं, जिसमें बेस में न्यूक्लियस होता है। तो ये जो है कॉल्यूमनार एपिथेलियम है, कॉल्यूमनार एपिथेलियम। ओके बेटा, कॉल्यूमनार एपिथेलियम, इसका जो शेप होता है ये कैसा है, लॉन्ग है एंड नैरो हमें नज़र आता है, लॉन्ग एंड नैरो शेप की। और भी बात करेंगे, कुछ सेल ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है क्यूबॉइडल, इसे बोलते हैं हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, कुछ फ्लैट भी होते हैं एपिथेलियम, फ्लैट यानी कि ऐसे ऐसे कुछ नजर आते हैं हमें, ऐसे कुछ ऐसे। ठीक है, तो स्क्वैमस एपिथेलियम है, बहुत सारे आगे जाके हम तो बाद में हर डिफरेंट चैप्टर में हम सेल्स के चर्चा करने ही वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ शेप की चर्चा करता है। ठीक है, तो एक अलग सेल है जो बहुत लॉन्गेस्ट सेल मैंने बताई थी आपको, जिसका नाम है नर्व सेल्स। ओके, तो वो जो दिखती है वो कुछ ब्रांच उसमें होते हैं, ठीक है, इस प्रकार दिखती हैं। तो हम यहाँ पे कुछ पूरा स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ शेप देखेंगे। तो शेप कुछ इस प्रकार इसका नज़र आता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूरॉन, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, बीच में न्यूक्लियस रहा, तो ये जो है ये है न्यूरॉन, नर्व सेल्स। ठीक है, तो ये कैसे दिख रही है आपको, ये जो है लॉन्ग है एंड ब्रांच्ड। ओके, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। ओके, तो इस प्रकार न्यूरॉन है। उसके बाद हम प्लांट की भी चर्चा करेंगे ना, प्लांट बेबी सेल होते हैं, ये एनिमल सेल्स है सब। अब प्लांट सेल्स जो होते हैं वो कैसे, अगर कुछ सेल ऐसे होते हैं जैसे कि ट्रैकेट्स, ठीक है, ट्रैकेट्स, तो कुछ इस प्रकार ट्रैकेट हमें दिखते हैं। ठीक है, तो ये ट्रैकेट का शेप है, तो बाद में हम पूरा देखने ही वाले हैं कैसे होते हैं, क्या करते हैं, उनके फंक्शन क्या है, तो वो उस चैप्टर में हम देखेंगे। उसके बाद अगर बात करेंगे ट्रैकेट्स के बाद, तो कुछ मेसोफिल सेल्स जो ऐसे राउंड हमें दिखती है, मेसोफिल सेल्स राउंड नज़र आती है। ठीक है ना, ओके, ठीक है, ये इसका जो शेप है ना ये इलोंगेट दिखता है ना, इलोंगेटेड ट्रैकेट। और ये जो है ये कैसी है, राउंड एंड ओवल,
इसका शेप कैसा है, राउंड एंड ओवल है, ठीक है। तो ये जो शेप है राउंड एंड ओवल, इसके इसे कहा क्या कहा जाता है, ये जो सेल है ये है मेसोफिल सेल। कौन सी सेल है, मेसोफिल सेल, समझ में आ रहा है, मेसोफिल सेल। तो ये प्लांट के सेल्स है और ये एनिमल के सेल्स है, ऐसे बहुत सारे सेल्स है, जैसे कि मसल फाइबर होते हैं जो स्ट्रेट मसल्स फाइबर हम देखते हैं क्यों, और दूसरे भी है जो स्मूथ मसल्स फाइबर, जैसे कि वो स्पिंडल शेप दिखते हैं। तो बहुत सारे प्रकार के शेप होते हैं, लेकिन कुछ लिए हमने, तो इसको अच्छे से ड्रॉ करो, ठीक है। तो अगर और हम बाद में देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेल्स, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक, ये सेल्स के टाइप्स हैं। तो फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा जो है वो है यूकैरियोटिक सेल। तो देखते हैं क्या है ये। तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ये कुछ एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक सेल्स के, जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, और ये स्मॉलर सेल होती है, बहुत ही स्मॉलर प्रिमिटिव टाइप की सेल है, जिसमें न्यूक्लियस भी नहीं दिखता है, यानी कि वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है ना। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, एंड कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। इसका मतलब हो सकता है कि इन दिस टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, राइट। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ओके। तो एग्जांपल अगर लेंगे तो क्या है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कौन से किंगडम में आता है, मोनेरा किंगडम में, ठीक है ना। तो साइनोबैक्टीरिया भी है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के। तो इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का मीनिंग क्या है, ये न्यूक्लियस एब्सेंट है, यानी क्या, अगर यूकैरियोटिक की बात की जाए तो अगर हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखेंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस किसे बोलते हैं, जिसमें क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप है, यानी कि आउटर कवरिंग है न्यूक्लियस का, पोर है, न्यूक्लियर पोर, तो आउटर कवरिंग है। उसके बाद इसमें क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है और न्यूक्लियोलस भी होता है, तो इसे हम कहेंगे वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो यह है क्रोमैटिन मटेरियल एंड इसमें न्यूक्लियोलस भी होता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है जो इसमें नहीं देखा जाता, इसमें डायरेक्टली जो क्रोमोसोम होंगे वो साइटोप्लाज्म में होंगे, समझ में आ रहा है, या जो मटेरियल है डीएनए वो साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है ना, इसमें कुछ एनवेलप नहीं होता है, इसके वजह से बोला गया है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, और इसमें जो है न्यूक्लियस एब्सेंट है, समझ में आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे कैरेक्टर्स और भी है, ठीक है, एक एक करके देखेंगे हम। तो नेक्स्ट जो है अगर बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है ना, वो एब्सेंट होते हैं। सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, बाउंड ऑर्गेनेल इज एब्सेंट, ओके। तो जो जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर इसमें क्या प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट है, ठीक है। तो इसके एग्जैक्ट अपोजिट यूकैरियोटिक सेल है, आपको समझ में आता हो, अभी आ रहा होगा, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में यू का मतलब होता है गुड, ठीक है ना, एंड अगेन कैरियन का मतलब होगा न्यूक्लियस, और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एडवांस न्यूक्लियस। ये था प्रिमिटिव, अभी ये क्या हुआ, एडवांस। तो ये कौन सा न्यूक्लियस है, एडवांस न्यूक्लियस, समझ में आ रहा है, ओके, ठीक है। तो अगर कैरेक्टर की बात करें तो बहुत सारे हैं, हम आगे अल्ट्रास्ट्रक्चर देखने वाले हैं दोनों का भी, तो तब बातें करेंगे। तो इसमें क्या होगा, यहां पे क्या होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट, राइट। तो एग्जाम्पल अगर लेंगे तो एग्जाम्पल क्या है, फंजाय है, प्रोटिस्ट है, प्लांट, एनिमल, ये एग्जाम्पल्स है किसके, यूकैरियोटिक सेल्स के।
जो किंगडम, जैसे कि फंजाई में फंजाई, फंजाई किंगडम, प्रोटिस का प्रोटिस्टा, प्लांट्स का प्लांटी एंड एनिमल्स का एनिमलिया, ओके। तो ये किंगडम इसमें आते हैं यूकेरियोटिक सेल्स में। तो ये जो सेल्स हैं वे ये बहुत ही एडवांस टाइप की सेल्स हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि सेल ऑर्गेनली जो प्रेजेंट है, ऑर्गेनल कौन से हैं, तो इसमें जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स है, और देन हम कह सकते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और भी है क्लोरोप्लास्ट, अगर प्लांट हो तो क्लोरोप्लास्ट, एनिमल में होते नहीं, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट बहुत है, वैक्यू माइक्रोट्यूबुल्स है। तो ये जो टाइप्स के सेल ऑर्गेनल्स हैं इसमें होते हैं, जिसमें एनवेलप होता है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में ये मेन डिफरेंस है जिससे हम इसे अलग कर सकते हैं, समझ में आ रहा। तो इसके यहाँ पर अगर और एक कैरेक्टर की बात करें तो राइबोसोम, ठीक है ना, जो राइबोसोम इसमें होता है 70S टाइप का होता है, टाइप ऑफ राइबोसोम, और इसमें होता है ATS। तो इसकी कुछ यूनिट होते हैं, हम आगे जाके सब देखने वाले हैं तो आपको पता चलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स की, आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का हम स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं और यूकैरियोटिक सेल का भी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। और इसमें एक कैरेक्टर रहेगा जो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें माइटोसिस जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो एब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें हम आगे करने वाले हैं, आपको मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको कमेंट करो, इसके ऊपर कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करना मत भूलो। और दूसरा बात है जो मैं कहता हूँ आपको, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो अगर आपको ये समझा हो तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, तब तक के लिए धन्यवाद।